हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज विद अज्जू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की हमारी रेसिपी है आलू मंचूरियन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार सी रेसिपी आलू मंचूरियन। बहुत ही इजी बन जाती है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ मैंने लिए हैं 6 से 7 आलू, अच्छे से वॉश कर लिया है इनको और इस तरीके से क्यूब शेप में कट कर लिया है। अब यहाँ हम लेंगे 1/2 कप स्प्रिंग ऑनियन, 1/2 कप स्वीट कॉर्न और 1 मीडियम साइज की हरी शिमला मिर्च जिसे मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है, और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ इस तरीके से छोटा छोटा चॉप करके, 1 बड़े साइज का ऑनियन जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हमें हल्का सा आलू को बॉईल कर लेना है। एक पैन में मैंने पानी को हाई फ्लेम पे उबाल लिया है। अब फ्लेम को कर दिया है मीडियम और इसे हमें आलू को 4 से 5 मिनट तक उबालना है। 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे उबलने देंगे, इसे ढक देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारा 70-80% गल चुका है। इसे बिल्कुल बॉईल नहीं करना 100%। अब इसे एक छलनी में छान लेते हैं। तो पानी मैंने निकाल दिया है और इसे एक बॉल में डाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 चम्मच। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि जब हमने आलू को बॉईल किया था तब भी हमने उसमें नमक डाला था। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच पानी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा और जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला है इसकी कोटिंग आलू के ऊपर हो जाए। अगर आपको थोड़ा फिर भी ड्राई लगे तो आप पानी का और यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी ये ड्राई लग रहे हैं तो मैं 1 बड़ा चम्मच पानी फिर से ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में ऑलिव ऑयल लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। अब हाई फ्लेम पे ऑयल गरम हो चुका है, अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और एक एक करके सारे आलू हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सारे आलू फ्राई हो चुके हैं, एकदम गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। सारे आलू मैंने निकाल लिए हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल। गैस को रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें डालेंगे लहसुन, इसे 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे ऑनियन, अब इसे भी 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे। इसे एकदम से भूनना नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो देखिए ऑनियन को 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्न, अब डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन, अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, 1/2 छोटी चम्मच नमक, अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस और 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी बाजार जैसे थिक ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें 1 चम्मच पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे आपकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 कप पानी और अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बस 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, कलर आ चुका है, ग्रेवी थिक हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम आलू मिक्स कर देंगे, इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू को हम। आलू को डालने के बाद बहुत ज्यादा देर तक इसको गैस पे नहीं चलाना है, बस 1 मिनट तक चलाना है, अदरवाइज आपके जो आलू हैं वो
सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए एक मिनट हो चुका है, अब गैस को कर देते हैं ऑफ और हमारा आलू मंचूरियन रेडी है। चलिए इसे कर लेते हैं सर्व। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन। तो देखा ना कितनी इजीली ये रेसिपी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब इसे फिर से गार्निश कर देंगे स्प्रिंग ऑनियन के साथ। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।